सिंह, आपको ये गायनेकोलॉजी और फिजियोलॉजी में भी आता पाठ है ये कि हाउ डेवलप मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे डेवलप होता है, इसको देखिएगा। सबसे पहली चीज़ें, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मेल गैमेट जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ और फीमेल गैमेट जिसको बोलते हैं ओभा, आपको मालूम होगा कि ओभा 22+X का होता है और स्पर्मेटोजोआ दो तरह का होता है, एक होता है 22+X का, एक होता है 22+Y का। तो दो टाइप का गैमेट होता है मेल में। अगर 22+X अगर इस ओभा से फ्यूज करेगा तो जो जायगोट बनेगा वो बनेगा 44+XX, और अगर ये फ्यूज करेगा अगर इस ओभा से तो जायगोट बनेगा 44+XY। इस तरह से दो तरह का जायगोट बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्मेटोजोआ फ्यूज किया है ओभा से। तो अगर अब क्या होता है, हम लोग तो बहुत सारे बात डिटेल आगे चलेंगे, लेकिन ये कैसे हुआ इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि आपको मालूम है, अभी जो बताया गैमेट के फ्यूजन के बारे में, तो अगर इम्ब्रियो डेवलप हो रहा है आठ सप्ताह तक ये पता नहीं चलता है कि वो जो इम्ब्रियो है वह क्या बनने वाला है, मेल या फीमेल बनने वाला है, लेकिन एट सप्ताह में लगभग एट सप्ताह से ये स्टार्ट हो जाती है कि यहाँ पर एक इस तरह का एक बॉडी का डेवलप होता है ऊपर में अब्डोमेन, और यहाँ पर इस तरह से एक्सट्रीमिटीज का बर्ड, और ये अब्डोमेन ऐसे डेवलप होता है। ये अब्डोमेन का पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया एक्सट्रीमिटीज का, ये जेनाइटल पार्ट लोअर जो सैडल पार्ट होता है वो सैडल पार्ट हो गया, ये अब्डोमेन का पार्ट है, ऊपर में डायफ्राम है, और यहाँ पर किडनी बनता है। किडनी के ही साइड के नज़दीक यहाँ पर गोनाड बनता है, गोनाडल ग्लैंड बोलते हैं। गोनाडल ग्लैंड दो गो बनता है, एक राइट में बनता है और एक लेफ्ट में बनता है, दो गो बनता है गोनाडल ग्लैंड, याद रखना है दो बनता है गोनाडल ग्लैंड, एक राइट लेफ्ट, और दोनों में गोनाड बहुत सारे सेल होते हैं। अभी तक कोई पता नहीं चलेगा कि ये गोनाड क्या बनने वाला है। इस गोनाडल ग्लैंड में इस तरफ से यहाँ पर एक लंबा सा बहुत बड़ा सा एक डक्ट होता है जिसको हम लोग ओल्फियन डक्ट बोलते हैं, ओल्फियन डक्ट यहाँ पे होता है ओल्फियन डक्ट, और एक छोटा सा यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं मुलेरियन डक्ट, याद रखना है यहाँ होता है मुलेरियन डक्ट, और यहाँ पे बड़ा डक्ट होता है जिसको बोलते हैं ओल्फियन डक्ट। दो डक्ट होता है यहाँ पे, और ये हो गया आपका, याद रखिएगा ओल्फियन डक्ट, और इसको बोलते हैं मुलेरियन डक्ट, और ये हो गया गोनाडल ग्लैंड बोलते हैं अभी तक। और यहाँ पर जो हम मुलेरियन डक्ट है यहाँ पे, ये मुलेरियन डक्ट यहाँ पर मेजोनेफ्रिक डक्ट बनाता है आगे जा करके, मेजोनेफ्रिक डक्ट यहाँ पर एक ग्लैंड में आके ओपन होता है, उसको बोलते हैं मेजोनेफ्रिक ग्लैंड, और यहाँ पर आगे चल करके एक होता है जेनाइटल पोर, और मेजोनेफ्रिक ग्लैंड, मेजोनेफ्रिक डक्ट, मुलेरियन डक्ट, ओल्फियन डक्ट, इस तरह से बन करके तैयार रहता है। अब क्या होता है, 8 वीक के इंड में ही, अभी तक तो ये कुछ नहीं है, ना मेल है ना फीमेल है, अब इंड में क्या होता है कि अगर ये बॉडी में 44+XY है, तब अगर इसमें अगर वाई क्रोमोजोम प्रजेंट है, तब वाई क्रोमोजोम का ही मेन फंक्शन होता है। वाई क्रोमोजोम करता क्या होता है, सबसे पहले गोनाडल ग्लैंड को,
गोनाडल ग्लैंड में वाई क्रोमोजोम, जैसे जो ग्लैंड है तो ग्लैंड में जो सेल है ना, वो सेल को ही अरेंज करता है वाई क्रोमोजोम, और अरेंज ऐसे करता है इस तरह से, और अरेंज कर देता है, और इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बोलते हैं। वाई क्रोमोजोम का पहला फंक्शन है, याद रखिएगा, सबसे नंबर वन फंक्शन इस गोनाडल सेल्स को अरेंज करके और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बनाता है, और इसको बोलते हैं टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। और अगर सपोज दैट, यहीं पर हम अंतर कर देते हैं, अगर ये वाई क्रोमोजोम नहीं होता, वाई क्रोमोजोम नहीं होगा तो इसमें जितना भी सेल है ना वो सब बिखरा रहेगा, इधर उधर बिखरा रहेगा, कोई उसकी भरोसा नहीं कैसा बनेगा इसको, वो ये आपको ओवरी बनेगा। अगर ये वाई क्रोमोजोम रहेगा तो सेल अरेंज सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होगा, नहीं रहेगा तो सेल इधर उधर बिखर जाएगा और बन जाएगा ओवरी बनेगा, और कैसे और भी होगा, और आप आगे चलेंगे जब यूजेनेसिस पर आएंगे तो और ज़्यादा डिटेल हम बताएंगे उसमें। दूसरी चीज़ें, अगर वाई क्रोमोजोम अगर है तो यहाँ पर एक मुलेरियन हार्मोन बनाता है, मुलेरियन हार्मोन, जिससे ये डिजॉल्व कर जाता है, ये ख़त्म हो जाता है मुलेरियन हार्मोन से, और ओल्फियन डक्ट यहाँ पर डोमिनेंट हो जाता है, और प्रोमिनेंट होकर के और ये बना देता है भास डिफरेंस, याद रखना है भास डिफरेंस। क्या बोले अभी हम कि वाई क्रोमोजोम मुलेरियन हार्मोन के द्वारा मुलेरियन डक्ट को डिजॉल्व कर देता है और ओल्फियन डक्ट को डेवलप कर देता है भास डिफरेंस में। नेक्स्ट, अगर ये वाई क्रोमोजोम अगर नहीं होता तो क्या होता, ये मुलेरियन डक्ट क्या बन जाता, फेलोपियन ट्यूब बन जाता, ये बन जाता फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ये मुलेरियन डक्ट होता है, मुलेरियन डक्ट, ये मुलेरियन डक्ट है। मुलेरियन डक्ट क्या चीज़ में चेंज कर जाएगा, अगर वाई क्रोमोजोम नहीं होता तो फेलोपियन ट्यूब में चेंज कर जाएगी, आगे की बातें। नेक्स्ट, अगर वाई क्रोमोजोम अगर है तब क्या होगा, तब क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों जो होता है ना, ये आगे चल करके ये जेनाइटेड, ये जो मेसोनेफ्रिक ग्लैंड है इसको चेंज कर देगा प्रोस्टेट ग्लैंड में, चेंज कर देगा किसमें, चेंज कर देगा प्रोस्टेट ग्लैंड में। और अगर वाई क्रोमोजोम नहीं होगा तो यहाँ पर जो ग्लैंड है वह चेंज हो जाएगी, यूट्रस में चेंज कर जाएगी, दोनों जो मेसोनेफ्रिक डक्ट होता है ना, ये डक्ट फ्यूज करके और यहाँ पर यूट्रस का फॉर्मेशन कर लेता है, आगे चल करके सर्विक्स बनाता है, यही सर्विक्स बनाता है, सर्विक्स। तो अगर वाई क्रोमोजोम अगर है तो यहाँ पर फिर प्रोस्टेट ग्लैंड बन जाएगी, और अगर नहीं रहेगा तो सर्विक्स बन जाएगी, और ये जो दोनों मुलेरियन डक्ट है फ्यूज करके यहाँ पर और बन जाएगा, यूट्रस का फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट, आगे अगर वाई क्रोमोजोम रहेगा तो जो एक्सटर्नल जेनाइटल पोर है इसमें, इसमें आगे की तरफ इस तरह से ऐसे निकला हुआ होता है जेनाइटल, आगे जेनाइटल बर्ड्स या पोर तो निकला होता है। अगर वाई क्रोमोजोम रहेगा, वाई क्रोमोजोम, तो ये ऊपर की तरफ इलोंगेट कर जाएगी, और इलोंगेट करके यह एक्सटर्नल जेनाइटल या पेनिस का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो पोर होगा यहाँ पे ये बंद हो जाएगी, ये पोर ऊपर, जब ऊपर जाएगा जैसे ऐसे है ना, तो ऐसे इलोंगेट करेगा तो पोर बंद हो जाएगी, तो ये पोर ऊपर में जाते समय बंद हो जाता है पोर, तो ये वाई क्रोमोजोम का फंक्शन होता है। और अगर वाई क्रोमोजोम नहीं रहेगा तो ये डिप्रेस कर जाएगा और ये क्लाइटोरिस बन जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला, और ये का पार्ट जो है वेजाइनल कैनाल बन जाएगा, सरफेस बन जाएगा वहाँ वेजाइनल कैनाल। और मेल के केस में वाई क्रोमोजोम्स रहता तो ये दोनों फ्यूज करके यहाँ पर स्क्रोटम बन जाता है, इस जगह पे दोनों पे स्क्रोटम बन जाएगी, ऊपर में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का फॉर्मेशन कर लेगा, मेल में यहाँ पर वेजाइनल कैनाल बन जाता है यहाँ पर। और लास्ट में वाई क्रोमोजोम क्या करता है कि ये जो ओल्फियन डक्ट है, ये ओल्फियन डक्ट यूरेथ्रा से फ्यूज कर जाता है, वाई क्रोमोजोम का मेन फंक्शन है कि वह यूरेथ्रा से इसको फ्यूज कर देता है, जिसके कारण यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट बनता है। और फीमेल के केस में यह सेपरेट हो जाता है, ये तो अलग कैनाल का फॉर्मेशन करता है, अब ये फीमेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये क्रोमोजोम्स, जो क्रोमोजोम पे ही निर्भर करता है कि ये क्या बनेगा, और ठीक ये 12 वीक होते होते और ये यहाँ पर ये बन जाता है। और एक कमाल होता है कि वाई क्रोमोजोम्स इस गोनाड्स को पुश करता है, और पुश करते करते और इसको बड़ी सरफेस से बाहर कर देता है, यहाँ से बड़ी सरफेस से बाहर कर देता है ये, जो कि बाद में चल करके यहाँ पर क्या बन जाता है, स्क्रोटम बनाता है ये।
यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्क्रोटम बाहर की तरफ, और जो फीमेल के केस में यह इलियक फोसा में रह जाता है, तो वायर क्रोमोसोम नहीं रहेगा तो गोनाडल ग्लैंड इलियक फोसा में रह जाएगा, दोनों तरफ ऊपरी तरफ हो चला जाता है, अगर वायर क्रोमोसोम अगर है तब इसको ऊपर से इसको पुश करते करते और नीचे ये स्क्रोटम बना देता है, इस तरह से 12 वीक होते होते और एक इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको हम ऊजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।